देह से बाहर चिदाभास व्याप्त घटाकार वृत्ति के समान अंदर कोई विषय तो है नहीं, इसीलिए उसको व्यापन करने वाला चिदाभास को मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो पूर्व पक्ष जब कहा तो सिद्धांत के दिन नहीं, ठीक है बाहर जैसा घटपटादि विषय है वैसे भीतर कोई स्थूल विषय नहीं है, जिसको पहले वृत्ति व्याप्त कर लेगा और उसको चिदाभास प्रकाशित करें, ऐसा नहीं है। विषय गोचर वृत्ति भाव अपि अहमादि वृत्ति सद्भावात, किंतु वहां क्या है अहमाकार वृत्ति, क्रोधाकार वृत्ति, कामाकार वृत्ति है ना, लज्जाकार वृत्ति, अनेकों वृत्ति इस तरह की है। सद्भावात तद व्यापक चिदाभास अपगंतुम शक्यते, और उसको प्रकाशन करने के लिए उनको व्याप्त करने वाले चिदाभास को मानना माना जा सकता है। यदि सदृष्टान्तम वाह, इस तरह जवाब दृष्टांत सहित कहने जा रहे हैं। अहम वृत्तौ चिदाभासः काम क्रोधाधिकासु च संव्याप्य वर्तते तप्ते लोहे वन्निर्यता तथा। दृष्टांत दिया जैसे लोहे वन्निर्यता, लोह में अग्नि व्याप्त है, एनवा अग्नि और लोह को प्रकाशित करता है और अन्य किसी को प्रकाशन करने का सामर्थ्य उसमें नहीं है। ठीक उसी प्रकार से अहमाकार वृत्ति में चिदाभास व्याप्त हो गया और अहम मात्र को ही प्रकाशन कर देगा, अन्य चीज को प्रकाशन करने में समर्थ नहीं होगा। क्या अहम वृत्ति नहीं, काम क्रोध आदि का सूचक, काम क्रोध आदि का, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य द्वेष, सब जितने भी अंतकरण की वृत्तियां हैं सारे वृत्तियों को ले लेना, उनको संव्याप्य वर्तते, उनको व्याप्त करता है उसी प्रकार जैसे तप्त लौह में अग्नि व्याप्त होकर रहता है। कहे अहम आदि वृत्तियों को चिदाभास भाष्य क्यों मानना, अहम आदि वृत्ति नाम चिदाभास भाष्यत्म दृष्टांत प्रोटेक्शन स्पष्ट है, उसके लिए दृष्टांत का ही विस्तार और समझाते हैं। जो लौह का दृष्टांत दिया है उसको स्पष्ट समझाते हुए फिर उसको दृष्टांत में घटाएंगे। समात्रम भाषे तप्तम लोहम नान्यत कदाचन एवं आभास सहिता वृत्यस्व स्वभाषिका। तप्तम लोहम स्वमात्रम भाषे, तप्त लोह क्या करता है वो अपने आप को प्रकाशित कर ले रहा है, क्या आपको गरम गरम लाल लाल रंग का लोहा दिख रहा है, लेकिन उसकी जो गर्म से होकर के लाल रंग जो हो गया है प्रकाशित हो रहा है वो उस प्रकाश से अन्य को प्रकाशित नहीं कर पाते, इतनी न्यून रहता है ना उसका, इसे दूसरे को प्रकाशित नहीं कर पाता है। नान्यत कदाचन एवं उसी प्रकार से आभास सहित वृत्त है, आभास सहित जो वृत्तियां हैं वे स्व स्वभाषिका, वह अपने अपने विषय मात्र को भाषित करते हैं। इसे घटाकार वृत्ति वृत्ति जब आभासित हो जाती है तो घटमात्र को भाषित करती है, अन्य चीज को भाषित करने के सामर्थ्य उसको नहीं है। उसी प्रकार अहमाकार वृत्ति से अभ्यास को प्राप्त हो जो चिदाभास है वो अहम को ही केवल बोध करा सकता है, अन्य को नहीं। एक सामान्य आभास से जो वृत्ति है चाहे बाह्य हो चाहे अंतर हो वहां पर स्व स्व कई भाषक होते हैं। एवं चिदाभास वित्पाद्य, अतः चिदाभास तो अंतर अहम आदियों में भी मानना पड़ा, बाह्य घटादियों के लिए भी मानना पड़ा। अंतर है बाह्य घटादेशों में ज्ञातता और अज्ञातता के लिए आपको ब्रह्मचित्त भी मानना पड़ा, कुटस्थ भी काम करता है ना, सामान्य प्रकाश भी उसका ज्ञातता और अज्ञातता का प्रकाशन करने की जरूरत पड़ जाता है। कि चिदाभास घट ज्ञान उत्पन्न करता है, उस ज्ञान के अंदर एक उस विषयों में घट में ज्ञातता नाम का जिस पैदा किया उसका प्रकाशन कुटस्थ चेतन नहीं करता है, चिदाभास केवल उत्पन्न करके चरितार्थ हो गया, ये तो कहा था ना गलत। वृत्ति जैसे उदय हुई वो अज्ञान को नष्ट कर देती है, घट अज्ञात है, घट का तो अज्ञान होता है, इन अहम का अज्ञान होता है कि कभी आपको अपने आप को भूल हो गए मैं हूं या नहीं हूं, कभी मन में संशय भी होता नहीं है, मैं हूं ये सदा बना रहता, आप किसी पूछते भी नहीं जाकर के मैं हूं या नहीं हूं बताओ भाई, सभी जानते हैं मैं हूं 24 घंटा। सुश्रुति काल में यदि अहम आकार विशिष्ट वृत्ति न भी चलता हो तो भी आपको ध्यान है मैं हूं, तभी तो जगने के बाद मैं सोया था उसमें अहमार चल रहा है। तो इस तरह से अहम का
अज्ञान काल तो है ही नहीं, तो अज्ञातता कहां से होगा? इसके अज्ञातता ना होने के कारण से आप वहां पर कुट चेतन के द्वारा उसका प्रकाशन की जरूरत नहीं रह गया। ये आगे जवाब देंगे, इससे पहले पहले कुटस्थ को सिद्ध करना जरूरी है। पूर्व पक्ष कहेगा भी ठीक है, चिदाभास तो आपने सिद्ध कर दिया कि आंतरिक विषय बाह्य विषय का प्रकाशन बहुत जरूरी है। अब कुटस्थ के स्वरूप को उत्पादन करने के लिए कुटस्थ स्वरूप उत्पादितुम तदुपयोगिन वृत्त भाव अवसरम दर्शयति, उसका उपयोगी वृत्ति के अभाव का अवसर को भी दिखा। जागृत की वृत्ति है, स्वप्न वृत्ति है, इनके भी अभाव कब हो रहा है? सुषुप्ति में। उस अवसर को लिए बिना कुटस्थ आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो यदि भी सुषुप्ति भी एक वृत्ति ही है, सुषुप्ति भी एक वृत्ति है, वहां वृत्ति के अभाव का तात्पर्य है विशिष्ट वृत्ति का नाम, वहां केवल अविद्यात्मिक वृत्ति रहेगी। अविद्यात्मिक वृत्ति अविद्या ही है, वहां पर स्वस्वरूप विद्यमान है, तदाकार वृत्ति मानी जाएगी वहां, और कोई वृत्ति नहीं। से न किंचित अविदिशम कर लेते हैं, विशिष्ट अज्ञान भी नहीं है, सामान्य अज्ञान। जैसे घट का अज्ञान है, विशिष्ट अज्ञान हो गया ना, घट का ज्ञान नहीं है आपको, और सुषुप्ति में आप नहीं कहते अमुक का ज्ञान नहीं है, सामान्य रूप में कहते हैं किस चीज का भी ज्ञान नहीं है। अर्थात न किंचित अविदिशम ज्ञापन होता है वह विशिष्ट वृत्ति नहीं है, अविद्याकार वृत्ति मात्र है। इसलिए लेकिन कुटस्थ को सिद्ध करने के लिए हमें विशिष्ट वृत्ति अभाव को लेकर के कथन करना है, क्योंकि विशिष्ट वृत्ति में पता नहीं चलता है कुटस्थ चैतन्य का अलग से। कुटस्थ चैतन्य है, आप घट हम देख रहे हैं, या मन में कामना हुआ, क्रोधाकार वृत्ति हो रहा है, उस समय विशिष्टाकार वृत्ति में विषय पर हमारा नजर टिक जाता है, इसे क्या होता है कुटस्थ को पहचान नहीं पाते। यदि अब भी कुटस्थ है, जागृत में भी कुटस्थ है, हर वृत्ति में, हर वृत्ति का अधिष्ठान तो कुटस्थ ही है, सारा जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, चाहे हर वृत्तियों का अधिष्ठान कुटस्थ है, चाहे जागृत हो चाहे स्वप्न हो, लेकिन हम उसको यहाँ पृथक विवेचन नहीं कर पाते। इसे एतारस विशिष्ट वृत्तियों के अभाव को यहाँ वृत्ति भाषा से कह रहे हैं, अविद्यात्मक सामान्य वृत्ति को लेकर के अनुभव हो जाता है कुटस्थ का। क्रमाद विच्छित्य विच्छित्य जायन्ते वृत्तयो वखिलाः सर्व अपि विलीयन्ते सुप्ति मूर्छा समाधिषु। दो स्थान में हो गए ना, जब वृत्तियां होती है घटाकार वृत्ति हुआ, फिर पटाकार वृत्ति जो होती है, इस बीच में क्या होगा? खाली होगी, वृत्ति नहीं होगी, अर्थात सामान्य अविद्या का वृत्ति है, और कुछ भी नहीं है विषय, न घट है न पट है। उस वृत्ति सामान्य को हम क्या कहते हैं? वृत्ति भाव कह देते हैं। यहाँ पर वो संधि में सामान्य वृत्ति है, विशिष्ट वृत्ति नहीं है, इन विशिष्ट वृत्ति के अभाव को हम क्या कह देते हैं? वृत्ति भाव कहते व्यवहार कर देते। इसे बीच में वृत्ति का भाव मान लिया, घटा भाव, घट ज्ञान पट ज्ञान, दो वृत्ति हुई है, उसके बीच में एक होने के बाद दूसरा होने के बीच जैसे लहर है, यूं उठा नीचे गया फिर ऊपर उठता है, नीचे आया हुआ उसे जल तो है ना, किंतु आप क्या कहेंगे? लहर नहीं है, लहर तो जल में मिल गया, इन जल तो है, इन लहर जो विशिष्ट जल है, विशिष्ट आकार और है क्या? जल का ही विशिष्ट आकार लहर है, वो नहीं है, इन सामान्य है। उस लहर जैसे चलता होगा वैसे वृत्ति पहले उदय हुआ, घट को ग्रहण किया, प्रकाशन हुई, फिर विलय हुआ, फिर पट को ग्रहण करेगा, फिर पट को प्रकाशन करेगा, फिर लय होगा। जैसे लहर के समान ये भी चलने के कारण से वृत्ति विशिष्ट वृत्ति पहले थी, अब वृत्ति सामान्य रूप हो गया वो, फिर वृत्ति विशेष, फिर वृत्ति सामान, फिर वृत्ति विशेष, वृत्ति सामान, ऐसे चलते रहेगा। वो वृत्ति सामान्य दशा को हम क्या कहते हैं? वृत्ति भाव सबसे कहते हैं। विषय का अभाव होने से विशिष्ट के अभाव को ही वृत्ति अभाव सबसे सामान्य रूप में कथन करें। इसका मतलब यह नहीं समझना वृत्ति है ही नहीं, इसे लहर नहीं का मतलब जल नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं होता ना, लहर नहीं का मतलब जल तो है, उस तरह से यहां विग्रहण करना है। इसके क्रमात विच्छिद्य विच्छिद्य, क्रम से विच्छेद होकर के, फिर विच्छेद करके, फिर विच्छेद करके, अलग 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 अनेकों वृत्ति वृत्तयः अखिलाः जायन्ते, सारी वृत्ति उत्पन्न, चाहे स्वप्न में हो चाहे जागृत में, क्या इन सभी किसी मिले कब हो जाते हैं? सर्वापि विलीयन्ते कब? सुप्ति मूर्छा समाधिषु। तीन जगह, सुषुप्ति में, मूर्छा में और समाधि में, केवल अविद्या का वृत्ति है या चिदाभासाकार वृत्ति है चैतन्य ब्रह्म, समाधि में ब्रह्माकार वृत्ति है, सुषुप्त मूर्छा में अविद्याकार वृत्ति है। ब्रह्माकार वृत्ति और अविद्याकार वृत्ति सामान्य होने के नाते उनको हम क्या कहते हैं? वृत्ति का अभाव हो गया। क्योंकि जागृत और स्वप्न में हम लोग आदत पड़ चुका है विशिष्ट को ग्रहण करना, इसी को हम वृत्ति समझ रहे हैं। घटपटाकार वृत्ति को ही
वृत्ति समझते हैं, इसे एतादृश वृत्ति का अभाव होने से वहां पर वृत्ति का व्यवहार हो जाता है। भूत समाध्य वृत्ति विलय अन्य कथम कुटस्थ गम्य थे, ठीक है वृत्ति का विलय एक विषय के बाद दूसरे विषय ग्रहण करने का बीच काल में भी होता है और पूर्णतया विलय सुषुप्ति मूर्छा समाधि में होता है, ये भले ही होवे, लेकिन इससे कूटस्थ की स्थिति कैसे हुई? अनेन कथम कूटस्थ अवगम्यते इत्याशंक्य वृत्ति भाव साक्षित्वेन असौ अवगम्यते। उन वृत्ति भाव का साक्षी कौन है? वहां विशिष्टाकार वृत्ति नहीं था, सामान्य विद्या का वृत्ति थी, न किंचित विषम को कौन प्रत्यक्ष किया? उस समय वहां कूटस्थ था, समाधि में केवल ब्रह्मागर वृत्ति थी, ब्रह्मागर वृत्ति को कौन अनुभव कर रहा है? एक साक्षी रूप कूटस्थ को मानना ही पड़ेगा। वही कहते संदेह अखिल वृत्ति नाम अभावाश्चवभासिता निर्विकारेण येनासौ कूटस्थे चोच्यते, कूटस्थ च उच्यते, उसी को कूटस्थ शब्द से हम लोग कहते हैं। किसको? जो निर्विकार रूप से स्थित, येन निर्विकारेण, जो स्वयं निर्विकार हो करके विकार को अभाव और अभाव दोनों वृत्ति के भाव और वृत्ति के अभाव को, वृत्ति के विशिष्ट आकार को वृत्ति के सामान्य आकार को सारे को प्रकाशन कर रहा है और स्वयं निर्विकार को प्राप्त है, ऐसे का नाम कूटस्थ है। संदेह अखिल वृत्ति नाम अखिल वृत्तियों का, जो अखिल वृत्तियों का जो संधि काल है वो संधि देश में क्या है? वृत्ति अभाव है, विशिष्ट वृत्ति नहीं है, वृत्ति सामान्य है। और अभावाश्च और सुषुप्ति मूर्छा समाधियों में विशिष्ट आकर अत्यंत अभाव हो जाता है, या तो लहर जैसे हो भी रहा है वहां, वो भी नहीं, बिल्कुल सीधा लहर नहीं है वहां, ऐसे में जो हो रहा है वहां पर भी उन अभावों को भी अवभाषित, वे भी अवभाषित हो जाते हैं। ये न विकारेण अवभाषित, जिस निर्विकार, ये न निर्विकारेण अवभाषित, जिस निर्विकार तत्व से अवभाषित हुआ गया तत्व वह निर्विकार वस्तु का इनाम कूटस्थ करके वेदांत में व्यवहार करते हैं। एवं किम फलितम, इससे क्या फल निकला? इस विचार से कूटस्थ सिद्ध कर दिया, चिदाभास सिद्ध कर दिया, और चिदाभास में व्याप्त हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं कहाँ नहीं हो रहे हैं सब वर्णन कर दिया, उससे क्या लाभ होता है? इतदाह घटे गुण चैतन्यम यथा बाह्यतांतरे वृत्तिष्वपि ततस्तत्र वैशद्यं संधितो अधिकं, घटे द्रुण चैतन्यम यथा बाह्य, जैसा बाह्य घटे बाह्य घटादियों में द्विगुणित चैतन्य है, तथा आंतरे वृत्तिष्वपि, ठीक उसी प्रकार से भीतर वाले वृत्तियों में भी द्विगुणित चैतन्य मानना होगा, जब तक विशिष्ट है तब तक। ततस्तत्र वैशद्यं संधितो अधिकं, उससे क्या हुआ कि विशिष्टता होता है, जिसलिए द्वैगुण चैतन्य अन्यत्र देखने को मिल रहा है, उससे विलक्षण कहाँ है? संधि काल में द्विगुण चैतन्य नहीं रहेगा, संधिता में संधिव्या तथा वृत्तिशो वैशद्यम अधिकम, यही संधि काल और अभाव काल की अपेक्षा से अधिकम ने अधिक वैशद्यम ने अधिकता विलक्षणता, अधिकता क्या है? द्विगुणा चैतन्य कहा? बाह्य बाह्य घटे का घटमात्र भास्कश्चिदाभास घटस्य ज्ञातदा भास्कम ब्रह्मचैतन्यं चेति चैतन्यं द्वैगुण्यम्। से बाह्य घटादि में क्या है? घटमात्र का अवभास चिदाभास है और घटगत ज्ञातता का अवभास ब्रह्म चैतन्य कूटस्थ इति चैतन्य द्वैगुण्य व्यवहार होता है, तथा आंतरे अहंकारादि वृत्तिष्वपि अहंकारादि वृत्तियों में भी कूटश्चैतन्यम ज्ञातता भाषक कुटश्चेतन वृत्त्यवभासक चिदावासश्च, यहाँ पर भी ज्ञातता का अवभासक होने कुटश्चेतन मान रहे हैं और वृत्ति मात्र का अवभासक चिदावास मानते हैं। सामान्य रूप में घटा दिया, जैसे बाहर में ऐसे भीतर में भी समझ लेना, यहाँ भी विषय है, जब विषय है तब क्या होगा? काम क्रोध आदि विषयों को प्रकाशन वृत्ति चिदावास कर देगा और उसमें भी मैं काम वाला हूँ ऐसे ज्ञान हुआ ना, इस घट ज्ञानवान अहम, उसी प्रकार कामनावान अहम, ऐसे ज्ञातो कामो मया, जैसे ज्ञातो घटो मया वैसे ज्ञातो कामो मया, मेरे अंदर कामना जगी हुई है, उस कामना को मैंने जान लिया, ऐसा ही व्यवहार करोगे वहां पर क्या होगा? कुटश्चेतन उसको प्रकाशित मान रखा जाता था। लेकिन वहां पर हमेशा क्या समझना, आंतरिक वृत्तियों में भी अहम को छोड़ करके काम क्रोधादियों में अहम को छोड़ के और खुद वृत्ति को छोड़ के, वृत्ति सामान्य को कौन प्रकाशन करेगा?
उसमें ज्ञातता और अज्ञातता नहीं होगी, ये बाद में आएगा। ज्ञातता और अज्ञातता आंतरिक विषयों में भी काम क्रोध आदि को लेकर क्या होगा, अहम को लेकर के नहीं, अहम ज्ञातोमया अहम अज्ञातोमया व्यवहार होगा क्या, मैं अपने आप को नहीं जानता हूं, ऐसा नहीं होगा। अहम ज्ञातैव सदा न अज्ञात, इसे वृत्तिस्तु ज्ञातैव सदा न तो अज्ञात, इसलिए अहम और वृत्ति इन दोनों में ज्ञात और अज्ञात नहीं होगी। यानी बाकी जो आंतर विषय है कौन, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य द्वेष इच्छा प्रयत्न वगैरह धी है ना, उसमें गिनती किया ना, धृति संशय भी लिया उसमें, कामो विचिकित्सा बृहदारण्यक मंत्र में ही धी धृति अधृति सब लेते, लज्जा भी लिया, ये सब आंतरिक वृत्ति है। वो सारे विषयों को प्रकाशन करने के लिए चिदावास की जरूरत है और विषयों की ज्ञातता को प्रकाशन करने के लिए कुटस्थ क्षेत्र की भी जरूरत है। ये अंतर विषय में ये अंतर फर्क समझना पड़ेगा। जैसे बाह्य विषय में भी क्या है, बाह्य जो सुषुप्ति थी ये भी बाह्य ही है, और आंतरिक में अहम और ये समय क्या हो रहा है, ज्ञात अज्ञात दो चीज नहीं होता। कहां ज्ञातता और अज्ञात दोनों होगी, ये निर्णय कैसे होगा, विषय के आधार पर निर्भर होता है। विषय का ज्ञान होता है और विषय का अज्ञान होता है तो ज्ञात और अज्ञात माननीय है। जहां विषय के अज्ञान का प्रसंग ही नहीं है, संभावना नहीं है, वहां पर अज्ञातता नाम की चीज नहीं है। जब अज्ञातता नहीं है तो सदा ज्ञात है वो, इसलिए अज्ञातता भी मानने की जरूरत नहीं है। अच्छा ऐसे स्थलों में कूटस्थ चेतन के प्रकाशन की अपेक्षा नहीं रह जाता है, उसका और विवेचन आएगा। देखिए अभी अगले श्लोक में आ रहा है, दूर चैतन्य मस्त, इसलिए आंतरिक विषयों में समझना अहंकार आदि वृत्ति शोपी ज्ञाता का उपासक कूटस्थ चैतन्य, वृत्ति का उपासक चिदाभास, इस दुगुण चैतन्य मस्त। युक्ति क्या है, तत्रपदि महा वह दुगुण है, पता कैसे चला, क्योंकि अन्यत्र दुगुण नहीं है, उसके दृष्टिकोण में कहा जाते हैं दोनों है। कहा नहीं है, ये तो दुगुण चैतन्य मस्ती तथा संदितः संदिभ्यः तत्र वृत्तिषु वैशद्यम अधिकम दृश्यते, संधि कालों की अपेक्षा से उनमें क्या हो गया, अधिक विशेषता आ गई। अर्थात संधियों में दोनों नहीं होता, एक से काम चलता है, और विशिष्टों में दोनों की जरूरत है। कि विशिष्ट में क्या होता है, विषय रहता है, और विषय का ज्ञान अवस्था और अज्ञान अवस्था दोनों रहती है। अतः विषयों का विशिष्ट जो वृत्ति होगा वहां पर विषयकृत ज्ञान और अज्ञान की वजह से ज्ञात और अज्ञातता हो जाएगा। ज्ञातता और अज्ञात को लेकर के वहां चिदाभास और कूटस्थ दोनों को मानना पड़ जाता है। नहीं चाहे विशिष्ट नहीं है, विषय नहीं रहा, तो ज्ञान और अज्ञान का प्रसंग खत्म हो गया। अतः ज्ञातता और अज्ञात नहीं रही तो दो की जरूरत नहीं है। इसे कहा है, संधि सुषुप्ति मूर्छा और समाधि ननु अत्रापि घटादिशिव, तो पूर्व पक्ष कहता नहीं उनमें भी मान, अत्र भी नहीं संधियों में भी, संधि में सुषुप्ति मूर्छा और समाधि में भी दोनों मानो। पूर्व पक्ष कहता ननु अत्रापि घटादिशिव, घटादियों के समान इनमें भी ज्ञाता ज्ञाता आभासकत्वे न कूटसुक्तिम नहीं शते, कूटसुक्ति नहीं चाहते आप, संधि में सुषुप्ति में मूर्छा समाधि में इनमें भी आप द्विगुण चैतन्य को नहीं मानोगे। वहां भी चिदाभास तो ही है, इन कूटस्थ को भी कम मानना चाहिए। हाँ वही कह रहे हैं, कूटस्थ किम नहीं शक्ते इत्याशंक्य तथा ज्ञातता द्यभावादेव, वहां ज्ञातता और अज्ञातता दो भेद ही नहीं रह जाता है। पहले हमने इस पर वहां पहले बोला था स्पष्ट, चिदाभास को मानना पड़ता है, बुद्धि को मानना पड़ता है भेद के कारण से, और जब भेद ही नहीं वो मानने की जरूरत है। क्यों भेद नहीं है वो भी वो समझाएंगे। ज्ञातता ज्ञातते नस्तो घटवत वृत्तिषु क्वचित स्वस्य स्वेन गृहीतत्वात् ताभिश्च ज्ञान नाशना, घट विषय के प्रमाण वृत्ति के प्रति ज्ञातता का आपादन होता है, क्योंकि पहले आपको घट का ज्ञान नहीं था ये आप जानते हैं, बाद में घट ज्ञान उत्पन्न हुआ, वृत्ति गई है ना, उसकी वृत्ति के उदय होने से पहले घटा का वृत्ति का उदय होने से पहले घट का क्या था, अज्ञान था, अतएव उसमें अज्ञातता माननी पड़ी, और वृत्ति उदय पश्चात उसमें घट का ज्ञान कर लिया उसने, अतः उसमें ज्ञातता मानना पड़ता है। लेकिन वृत्ति खुद विषयों में व्यस्त दे रही ना, वृत्ति का उदय से
पहले अज्ञान, उदय के बाद ज्ञान हुआ। इन वृत्ति के बारे में खुद एक वृत्ति को जानने के लिए दूसरी वृत्ति लगेगी, और कहोगे इस वृत्ति का उदय होने से पहले वो वृत्ति अज्ञान था, दो वृत्ति माननी पड़ेगी ना। कहना पड़े इस वृत्ति को जानने के लिए वृत्ति कोशिश कर रहा है, जैसे घट को जानने के लिए कोशिश वृत्ति ने करा, वृत्ति व्याप्त होने से पहले घट का ज्ञान, व्याप्त होने के बाद घट का ज्ञान, है ना। सब वृत्ति को विषय बनाना आप चाहेंगे तो किसका विषय होगा वो? घट जो है वृत्ति का विषय हो गया, वृत्ति किसका विषय बनेगा? दूसरा वृत्ति, तीसरे का, तीसरा वृत्ति, चौथे का, अनावसा दोष हो जाएगा। इसलिए वृत्ति कभी अज्ञात वस्तु को जाता नहीं, बल्कि उल्टा अंतकरण से जिस क्षण वृत्ति निकले अज्ञान खत्म हो जाएगा। वृत्ति का उदय होते ही स्वयं अज्ञान को नाश करके प्रवृत्त होती है ना। वृत्ति होती क्यों है? अज्ञान को भंग करने के लिए, आवरण को भंग करने के लिए ना। घट तो पहले से यहां पड़ा है, लेकिन हमारी वृत्ति जाके कर क्या रही है वहां? घट का आवरण भूत अज्ञान को भंग कर देता है, तब कहते घट का ज्ञान हुआ। नहीं घट तो पहले से पड़ा है ना, आपका वृत्ति ने किया क्या, आपके आंख ने किया क्या, वहां जाकर के विषय तो पहले से पड़े हैं। भाव रूपेण चाहे अभाव रूपेण, ये अभी ये भूतल है, इसमें घटाभाव है, ये भी विषय पहले से ही है ना घटाभाव। कि आपकी वृत्ति पैदा किया क्या हुआ? तो पहले से ही है, वृत्ति ने किया क्या फिर वहां? अज्ञान को भंग करना अर्थात अज्ञान का नाशक है वृत्ति। जब वो अज्ञान का नाशक है, वृत्ति का अज्ञान कैसे होगा? वृत्ति का ज्ञान कहां से आएगा? जो खुद ही अज्ञान अंधकार का नाशक जो होगा, वह अंधकार का भाव कहां से मिल जाएगा? जो सूर्य है वह अंधकार का नाशक है, ऐसा प्रकाश है, और उस प्रकाश है प्रकाश का भाव ढूंढो, प्रकाश है प्रकाश का भाव ढूंढोगे तो कहां से मिलेगा? सूर्य ने प्रकाश का भाव ढूंढिए। जो सब का नाशक है वहां अभाव कहां से मिल जाएगा उस चीज का? नहीं मिल सकता। वृत्ति इस प्रकार से जब अज्ञान का नाशक है तो खुद वृत्ति का अज्ञान नहीं हो पाएगा आपको। एक बात और कहो, वृत्ति वृत्ति को ही ग्रहण कर लेगी मान लो, कल स्वयं को स्वयं विषय कैसे करेगी? जड़ है वो, स्वयं को स्वयं विषय करके इसे प्रकाशित कर लेगी। माने वृत्ति स्वयं के एक अज्ञान मान करके वो खुद वृत्ति ने अपने अज्ञान रूपावरण को भंग कर दिया मानोगे? माना जैसे घट है, घट में अज्ञान आवरण है, उसको भंग किया वृत्ति ने, है ना। उसे इस वृत्ति में भी अज्ञान मानना चाहोगे, ये कल्पना करनी पड़ेगी, वृत्ति खुद को एक आवरण कर लिया था और फिर उसने उसी ने क्या किया, अपने ही आवरण को खत्म कर लिया, ये कल्पना करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता, स्वयं के द्वारा स्वयं का ग्रहण नहीं होता। इसे नहीं यहां पर स्वस्य स्वेन दोनों हेतु दे दिया, स्वस्य स्वेन अगृहीतत्वात् पहला हेतु, दूसरा अज्ञान नाशनात्। फिर दो पक्ष हो सकता है ना, वृत्ति के ज्ञातता और अज्ञातता को यदि मानना चाहोगे, जैसे घट की ज्ञातता और अज्ञातता को मानने के लिए घट से भिन्न वृत्ति को माना आपने, उस वृत्ति के कारण से उदय होने से पहले अज्ञातता, उदय होने के बाद ज्ञातता, इससे वृत्ति में भी ज्ञातता और अज्ञात दो अवस्था मानने के लिए, वृत्ति का ज्ञान अज्ञान मानने के लिए वृत्ति से भिन्न कोई चीज मानना पड़ेगा ना, जिसकी वजह से वृत्ति का अज्ञान भंग होकर के ज्ञात आ जाएगा, और जब तक ज्ञान भंग नहीं हुआ तब अज्ञातता रहेगी उसमें। ये मानने के लिए वृत्ति से भिन्न कोई चीज माननी पड़ेगी, ऐसा माना नहीं जा सकता कि स्वयं वृत्ति क्या है, अज्ञान का नाशक है। और स्वयं के स्वयं ग्रहण होता नहीं, जड़त्व स्व प्रकाश तो है नहीं, वो कर्तकर्म विरोध भी हो जाता है, स्वयं के द्वारा स्वयं ग्रहण करने में कर्तकर्म विरोध भी हो जाएगा। इसलिए कहते कि देखो ज्ञातता इति तत्र प्रतिम्बा स्वसेति, ज्ञातता अज्ञात नास्त, वास्तव वृत्ति में ज्ञात और अज्ञात नाम की चीज नहीं हो सकता। घटवत घट के समान वृत्तिशु ज्ञातता अज्ञात क्वचित भी नास्त, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा अनुभव। वृत्तिशु घटवत वृत्तियों में घट के समान ज्ञात और अज्ञात दोनों कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? स्वस्वेनग्रीदत्वात् स्व का स्व के द्वारे ग्रहण करना संभव नहीं है। और अज्ञान तो कम से मान लो वो भी नहीं हो सकता, फिर ताविश अज्ञान नाशनात्, वृत्तियों का काम यही है, वृत्ति निकले का मतलब हुआ अज्ञान का नाश हो गया। अतएव उनका ज्ञान को लेकर ज्ञातता या उनके अज्ञान को लेकर अज्ञातता दोनों की कल्पना नहीं हो सकती। टिप्पण कर बड़ा सुंदर ढंग से उठाया है
घट विषय का प्रमाण वृत्ति प्रति ज्ञातम आपादिन प्रष्टभ्य, जैसे घट विषय प्रमाण वृत्ति में ज्ञात और अज्ञात को हम लोग करते हैं, उसी प्रकार से आप वृत्ति में भी करना चाह रहे हो, वृत्ति सामान्य में भी, तो उससे हम पूछना चाहेंगे भाई किम असो वृत्ति ही तयैव ज्ञायते उत साक्षणः। वृत्ति को कौन जान रहा है? स्वयं से उस स्वयं को जान रहा है तो उसे ज्ञाता आ गई है, या साक्षी की तरह जाने जाने से ज्ञाता आई है, और जब स्वयं की ओर स्वयं ग्रहण नहीं हुआ तो अज्ञाता रहेगा, या साक्षी अगर अग्रहित हुआ तो अज्ञातता रहेगा, ये माना जा सकता है। इन पर ये बताओ वृत्ति को ग्रहण कौन कर रहा है, या स्वयं ग्रहण कर लेती है वृत्ति अपने आप को, या साक्षी ग्रहण करता है? दोनों ही नहीं हो सकता। साक्षी भी वृत्ति को ग्रहण नहीं कर सकता, न वृत्ति स्वयं को ग्रहण कर लेगी, और स्वयं को ग्रहण नहीं कर उसको पहला पक्ष है स्वस्य स्वेन अग्रहीतत्वात्। और कहोगे साक्षी के द्वारा, ये भी नहीं हो सकता। ऐसे विज्ञात वृत्ति मया, ऐसा व्यवहार होगा जैसे विज्ञात घटो मया, घट मेरे द्वारा विज्ञात हो गया, उसी प्रकार से कोई व्यवहार करेगा क्या? वृत्ति मया ज्ञात, ये पूछते पूछते पूछेंगे हम तुरंत वृत्तो किमस्ति, कि वृत्ति केवल वृत्ति कोई जान ही नहीं सकता है ना। जब भी वृत्ति ग्रहण किया करेंगे आप घटपट कुछ ना कुछ लेकर के ही होता है, केवल वृत्ति मेरे अंदर ज्ञात ऐसा कोई व्यवहार कर नहीं सकता। अच्छा, स्वयं से ग्रहण नहीं हुआ न साक्ष्य से ग्रहण हुआ, यदि साक्ष्य से ग्रहण होता है तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए ज्ञातो घट के समान, ज्ञातो वृत्ति, इन ज्ञातो वृत्ति व्यवहार होता नहीं, हो ही नहीं सकता है। कोई भी आज तक वृत्ति को स्वयं साक्षर प्रत्यक्ष करके निर्विशेष वृत्ति का प्रकाशन कर ले ऐसा नहीं होता। इसलिए हम लोग समाधि में क्या मानते हैं? ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं, अखंडाकार वृत्ति, वहां भी आकार है, बिना आकार की वृत्ति होती नहीं। सुषुप्ति में भी अविद्याकार वृत्ति, मूर्छा में अविद्याकार वृत्ति, संधि काल में अविद्याकार वृत्ति, अतः यत्किंचित आकारहीन वृत्ति को साक्षी प्रकाशित नहीं कर रहा है ना। अतः ज्ञातो साक्षी नहीं बोल सकता कि ज्ञातो अविद्याकार वृत्ति, साक्षी भी क्या कहेगा? ज्ञात वृत्ति नहीं बोलेगा, लेकिन क्या कहेगा वो? ज्ञातो अविद्याकार वृत्ति, ज्ञातो घटाकार वृत्ति नहीं कह सकता, केवल ज्ञातो वृत्ति कभी नहीं। इसे कहते हैं साक्षी और नहीं हो सकता युक्तिवद ब्रह्मानुभव तो भवेत, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले बता चुके हैं जो केवल साक्षी के द्वारा जो ग्रहण होता है और साक्षर ग्रहण जो होते हैं उनमें भी अंतर को समझना है। और दूसरे पक्ष जो था, हमने पहला पक्ष तो स्वयं है कि स्वस्व ना अग्रितत्व, ठीक है, ज्ञान अज्ञान व्याप्ति भ्याम ज्ञाता ज्ञात भाव का, जिस चीज का ज्ञान हो और जिस चीज का पहले अज्ञान हो, ऐसी चीजों में ज्ञातता और अज्ञातता दोनों मानी जाती है। वृत्ति नाम तो स्वप्रकाशत्व ना, वृत्तियां कैसी है? स्वप्रकाश है, चिदावास कैसे स्वप्रकाश हुए? है तो जड़ो, केवल वृत्ति लेंगे तो जड़ है, लेकिन चिदावास आरूढ़ होने से वो स्वप्रकाश हो गया, आभास के वजह से वो, जिस दर्पण को किसी अन्य चीज से देखना नहीं पड़ता, दर्पण में सूर्य का प्रकाश जो प्रतिबिंब पड़ रहा है ना, उस प्रतिबिंब के कारण से दर्पण प्रकाशित हो गया, कि सूर्य का प्रकाश प्रतिबिंब उसमें पड़ गया, वो प्रतिबिंब की वजह से दर्पण प्रकाशित हो रहा है, दर्पण को देखने कोई और प्रकाश आप लाते हैं क्या? जरूरत नहीं। सर वृत्ति को हमें देखने के लिए और प्रकाश की जरूरत नहीं है कि वृत्ति में चिदावास बैठा हुआ है, और चिदावास के कारण से वृत्ति स्वयं प्रकाशित हो रही है, जैसे सूर्य का प्रतिबिंब के वजह से दर्पण स्वयं प्रकाशित हो जाता है, उसको प्रकाशन अन्य साधनों से करना नहीं पड़ता, तद्वत यहाँ पर भी चिदावास के कारण से वृत्तियां स्वयं प्रकाशित हो गई है, उनको अन्य से प्रकाशित करने की जरूरत नहीं रहा। इस दृष्टिकोण से वृत्ति को हम क्या कहते हैं? स्वप्रकाश। आभास वैसे वृत्ति को स्वप्रकाश कहते हैं, और आभास रहित यदि वृत्ति की मान भी लोगे तो वो जड़ होगा, वो स्वप्रकाश नहीं होगा। ज्ञान व्याप्ति नास्ति, इसमें ज्ञान व्याप्ति नहीं हो सकती, ताव्र वृत्ति भी स्वोत्पत्ति मात्र, बल्कि उल्टा होता क्या है, उन वृत्तियों के द्वारा अपनी उत्पत्ति मात्र से स्वगोचर ज्ञान से निवृत्ति तथा स्व विषय का ज्ञान को नष्ट कर दिया जाता है, तद अज्ञान निवृत्तवाद अज्ञान से व्याप्ति रूप नास्ती, अज्ञान की भी वृत्ति में व्याप्ति नहीं हो सकती। अतः वृत्ति का न तो ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, न वृत्ति का अज्ञान उत्पन्न होता है, जो स्वयं हो आभास ज्ञान से वृत्ति क्या है, प्रकाश स्वरूप हो गया है, इससे ज्ञान नहीं होता, और उसे वृत्ति का
आभास से उदय होने मात्र से अज्ञान नष्ट हो गया, अतः वृत्ति का पूर्व काल में कोई अज्ञान अवस्था हो ऐसा भी नहीं हो सकता है। नन कुटश्चिदाभासेरु उभयोरपि चित्वे समाने एकस्य कुटस्तत्वम् अपरस्य कुटस्तत्वम् इति एतत् कुतः। अब पूर्व पक्ष कहता है ठीक है मान लिया आंतरिक विषय में जो अंतर आपने समझा दिया कहाँ ज्ञात और अज्ञात होता है, मैंने काम क्रोध आदि इच्छा द्वेष प्रयत्न मदमोह वात्सल्य इत्यादि सभी में हो जाएगा, वह दोनों की जरूरत है बाही के समान, और लेकिन वृत्ति में खुद को दोनों नहीं है। सुषुप्ति वृत्ति वृत्ति सामान वही रहता है ना, संधि में सुषुप्ति में मूर्छा में और समाधि में वृत्ति सामान वही होता है, बाकी सब में विशिष्ट है, वहां दोनों की जरूरत है, वहां दोनों की जरूरत है। इसे संधि सुषुप्ति मूर्छा और समाधि ये वृत्ति सामान्य अवस्था है, इन्हीं को हम कहते हैं वृत्ति में वृत्ति का ज्ञाता और अज्ञाता नहीं रहता। अहम में है ये, वो तो उसी में भी आ गया, अहम तो सभी में रहेगा, अहम का बारे पहले विचार आ चुका है, आप अहम कर किसको अहम लेना चाह रहे, समस्या खड़ी हो जाएगी। अहम तो तीन है ना, अहम तो तीन तीन है, गौण और मुख्य दो, गौण दो थे मुख्य एक था, मुख्य तो वहां दोनों जरूरत है, मुख्य में मुख्य कौन सा है, आम पामर जो बोल रहे शरीर आदि को लेकर अहम का व्यवहार करते हैं यही था ना, वो मुख्य है, लेकिन वो तो सामान्य उसमें उसको तो दोनों जरूरत है, चिदाभास भी और कुटस्थ भी, उसके लिए दोनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो ज्ञानी व्यवहार करता है अहम बोलता है, अहम ब्रह्मा बोलता है कभी कभी, तो अहम शांति धर्मा बोल देगा, दोनों बोलता है ना, अब यहां क्या करोगे, अहम ब्रह्म बोल रहा है तो वहां उस अहम के लिए कहा जाता है दोनों की जरूरत नहीं है। जब आत्मा के साथ आप व्यवहार आत्म रूपेण व्यवहार कर रहे हो, आत्मा के लिए अहम शब्द प्रयोग कर देते हो, वहां दोनों की जरूरत सब प्रकाश है, वहां ज्ञात और अज्ञात नहीं रहेगी ना। लेकिन हम अमुक अहम अमुक करके जो व्यवहार करोगे, ब्राह्मणों अहम इत्यादि व्यवहार करोगे, ये अहम में तो दोनों और जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इसके भी ज्ञात और अज्ञात दोनों अवस्था आते हैं ना, पहले नाम शांतर्मा नहीं था, बाद में हो गया ना, पहले कुछ और नाम था, नाम तो पहले होते ही नहीं है, जब पैदा हुआ कहाँ नाम था, अज्ञानी था वहां पर, उस नाम का अज्ञान रहेगा नहीं पूर्व काल में, नामकरण के बाद उस नाम का ज्ञान हो गया। इस रूप भी गर्भावस्था में अप्रकट है, लड़का है कि लड़की है पता नहीं, ज्योतिष ने तो चालाकी किया, बहुत बार पीछे पड़ा किसी ने कौन सा होगा बताओ, उसे लड़का खुश हो गए सब, ना लड़की ऐसे लिख दिया, लिख तो दिया चालाक उसने, और हुई लड़की, और उन्होंने जो लिख के दिया तो पकड़ के लाए, है तुमने कहा था लड़का हुआ तो लड़की, अरे भाई मैं भूल गया, और न के बाद कॉमा डाल दो, लड़का ना लड़की, और कॉमा डालना छोड़ दिया था, समझे आ गया ना, और न के बाद कॉमा डाल दिया, लड़का न लड़की ही, ऐसा आर्टिकल क्या ना, चालाकी करना पड़ा, क्या करे ज्योतिषी है परेशान करेंगे, पता है लोग आके परेशान करेंगे, ये पहले कोई जान नहीं पाता है लड़का या लड़की है, इसलिए वो अज्ञान हुआ पहले, बाद में ज्ञान हो गया, उसे नाम और रूप दोनों की ही हाल है, दोनों की ज्ञात और अज्ञात हो सकता है, कि अस्थिवाद प्रिय जो आत्मा के स्वरूप में हम जब प्रयोग करोगे वहां ज्ञात और अज्ञात प्रसंग ही नहीं है, सदा ज्ञात है वो, जो उस अहम के लिए हम कहते हैं दोनों की जरूरत नहीं है, ध्यान में रहना, इसे अहम किस अहम को जरूरत नहीं है, विचार अलग चीज है, किस दृष्टि से मैं कह रहा हूं। अब प्रश्न दूसरा उठा, ठीक है मान लिया कुटस्थ और चिदाभास दो हैं और दोनों की जरूरत है, और दोनों की चैतन्य रूप ही है, दोनों के दोनों अपने निर्णय ले दिया समान है, एक को आप कुटस्थ क्यों नाम रख रहे हो, दूसरे को चिदाभास क्यों नाम रख रहे हो, जब दोनों ही चैतन्य ही है नाम दो क्यों, एक ही को मान लो यदि दोनों की आवश्यकता सिद्ध कर चुके हैं, फिर भी पूर्व पक्ष कह रहा है दोनों जब चैतन्य ही है तो नाम अलग अलग क्यों किया, एक से कुटस्थम, एक को आप कुटस्थ नाम ही नहीं बल्कि आप एक को विकारी कह रहे हो और दूसरे को अविकारी कह रहे हो ना, एक को कुटस्थ कहने का मतलब क्या, जिस चैतन्य को आप कुटस्थ कह रहे हो उसको आप अविकारी मान रहे हो,
और जिस चैतन्य का चिदाभास नाम रख रहे हो उसका विकारी मान रहे हो। ऐसे कैसे हो सकता है, चैतन्य हो और एक चैतन्य विकारी दूसरा चैतन्य अविकारी, ये कैसे होगा? पूर्व पक्ष का पूछने का यह आशय है, नाम से लड़ाई नहीं है उसको, नाम से 36 रख लो आप। उसका मुख्य कहने का तात्पर्य है आप एक को कूटस्थ मान रहे हो माने अविकारी मान रहे हो, दूसरे को विकारी मान रहे हो, जब भी यद्यपि दोनों चैतन्य है। जब दोनों चैतन्य है एक चैतन्य को आप कह दोगे विकारी दूसरे को अविकारी, ये कैसे हो सकता है? चैतन्यत्वात् हेतु दे दूंगा, असंभव व्यभिचारी हो जाए मामला यहाँ। इत्याशंक्य जब सिद्धांति कहते नहीं नहीं देखो, चिदाभास दृष्टि जन्म नाशय अनुभूयमान, चिदाभास का जन्म और चिदाभास का नाश अनुभूयमान है। अतः चिदाभास रूपा चैतन्य को हम विकारी कहते हैं। जैसे दर्पण में सूर्य का प्रतिबिंब का जन्म हो रहा और उसका नाश भी होता है, दर्पण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब का जन्म नाश दोनों है, बिंब में है क्या दोनों? नहीं। तद्वत यहां पर भी है, बुद्धि में पड़ा हुआ चैतन्य का प्रतिबिंब का नाम चिदाभास है और उसका प्रतिबिंब जब पड़ा उसका जन्म हुआ, जब लय होगा तब उसका नाश माना जाएगा। इसे चिदाभास उत्पन्न विनाशशाली हुआ कि नहीं हुआ? और रोज उस अनुभव करते जो सुषुप्त में जाते हो कहां रहता आपका चिदाभास? बुद्धि भी जो अविद्या में लीन हो जाती है, दर्पण भी उलट के रख दिया जैसे, वहां दर्पण और प्रतिबिंब कहां से पड़ेगा? तो उल्टा रख दिया आपने, सीधे रखें तब ना प्रतिबिंब पड़ेगा सूर्य का, तो उल्टा कर दो तो कहां से दर्पण में पड़ेगा? उसे सुषुप्त में क्या हो गया, बुद्धि तुम्हारी लय हो चुकी है, अब उस बुद्धि में कहां चिदाभास पड़ेगा, प्रतिबिंब कैसे पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इस सुषुप्ति मूर्छा समाधि आदि काल, समाधि छोड़ो सूर्य तो मूर्छा आदि काल में विशेष रूपेण बुद्धि जब अविद्या में लीन हो जाती है उस अवस्था में तो चिदाभास नहीं है। और रोज इस तरह से नाश हो रहा है, इसका मतलब चिदाभास आपका रोज जब सोते हो एक तरह से आपका चिदाभास नष्ट हो गया, और रोज जगते हो चिदाभास का जन्म हो गया। बुद्धि का लय और उत्पत्ति को लेकर के, आविर्भाव तिरभाव को लेकर के व्यवहार हो सकता है। अतएव चिदाभास को विकारी कह देते हैं, प्रतिबिंबात्मक जो चैतन्य उसको विकारी कहते हैं, और बिंबात्मक चैतन्य है कौन? कूटस्थ, उसको अविकारी कहते हैं। अनुभूय मानत्वम अनुभूय मात्र अस्य अकूटस्थत्वम, इसलिए चिदाभास में अकूटस्थत्व माने विकारित्व में मानता हूं। अपरस्य विकारित्व प्रमाणाभाव, और जो दूसरा है कौन जिसको कूटस्थ कह रहे हैं हम, उससे विकारी होने में कोई प्रमाण ही नहीं है। यहां तो अनुभव रूप प्रत्यक्ष प्रमाण था और उसमें कोई प्रमाण नहीं जिससे आप उसे विकारित्व सिद्ध कर सको, बल्कि आप प्रमाण देंगे जिससे अविकारित्व सिद्ध होता है। आगे बृजानिक उपनिषद के मंत्रों को देंगे, अभी पहले अपनी बातों को आचार्य शंकर के मत से वचनों से सिद्ध कर देंगे, उसके बाद श्रुतियों को लाए उसके समर्थन में। द्विगुणीकृत चैतन्य जन्मनाशानुभूति अकूटस्थम तदन्यत्व कूटस्थम अविकारतः। द्विगुणीकृत चैतन्य में अर्थात दो दो आपने जो माना बाह्य विषय में कुछ आंतर विषय में, बाह्य विषय में और कुछ आंतर विषय में जो आपने द्विगुणीकृत चैतन्य माना है, उनमें से एक चैतन्य वह है जिसका जन्म और नाश निरंतर अनुभव हो रहा है, अतएव वह अकूटस्थ है। तदन्य और से भिन्न जो दूसरा वो क्या है? वो कूटस्थम, क्यों? अविकारता, उसका विकार होता हुआ हमें अनुभव नहीं आता। कहते चिदाभास फिर कूटस्थ को मानने की जरूरत क्या? एक अविकारी बैठा है चुपचाप, उसको मानने की जरूरत क्या? कुछ तो करे तब तो उसको माना जाए, जो ना कुछ ना करने वाले को क्या मानना? कहते कुछ ना करने वाले को ज्यादा महत्व देना पड़ता, उसी की सत्ता सारा चल रहा है ना। अब आदमी को भ्रम हो जाता है कई बार, ये जो कोठाई लोग होते हैं ना, उसका हम ही आश्रम चला रहे हैं, उनको लगता है हमारे वजह से सब चल रहा है, हमारे वजह से सारा चल रहा है, लेकिन वो अविकारी जो बैठा है उसी के चक्कर में सारी दुनिया आ रही जा रही है, वो देखने के लिए चुप है लेकिन उसी के चक्कर में सारी दुनिया है, और जो कर रहा है धर रहा है उसके चक्कर में कोई नहीं है। इसे संसार के वो तो अविकारी के चक्कर में तो चल रहा है, भीषास्माद्वात पवते भीषास अग्निर्वाश्च,
ना, उसी के भय से सारा भाग रहे हैं, सारे नक्षत्र तारा सारी चीजें अग्नि वायु सब अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। सूर्य देखो एक दिन छुट्टी नहीं, एक दिन विश्राम नहीं, एक सेकंड का विश्राम नहीं, अनंत काल से चले जा रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, एक राशि से दूसरे राशि में जा रहा है, जा रहा है। यथा मास हर जरम पैतृ प्रसद में आया, इसे कहते उसी प्रकार से मेरे पास सारे ब्रह्मचारी लोग आते जाते रहे, ऐसे प्रार्थना है। पैतृ प्रसद भगवान आमायंत ब्रह्मचारण स्वाहा, हिमायंत ब्रह्मचारण स्वाहा, दमायंत ब्रह्मचारण स्वाहा, प्रमायंत ब्रह्मचारण स्वाहा, क्षमायंत ब्रह्मचारण स्वाहा, वा यथा मास अहर्जरम एवं माम ब्रह्मचारण धातर आयंतु सर्वदा स्वाहा। जैसे मास अहर्जरम, जैसे मास साल में, साल संवत्सर इस तरह से चलते आ रहा है, युगों में चला जाता है और लगातार चल रहा है, उसी वर चारों तरफ सर्वत हे धाता हे ब्रह्मा, चारों तरफ से मेरे पास कैसे ब्रह्मचारी आवे, फालतू नहीं। माम ने माम प्रति आयंतु ब्रह्मचारिण कीदृत आमायंतु ब्रह्मचारिण मायंतु ब्रह्मचारिण मा व्यंतु ब्रह्मचारिण और मा प्रमायंतु ब्रह्मचारिण दमायंतु शमायंतु दशम दम सर गुण संपन्न ब्रह्मचारी वे ही ब्रह्मचारी मेरे पास आवे, और सारा उठपटांग कोई आवे तो तुरंत भी चले जावे न रहे हर जगह फुल चुक से आ जाते हैं ना, नाम सुन करके आ जाते उठपटांग, वो अपने भाग भी जावे तुरंत न रुके। तो कूटस्थम विकारत वो अविकारी की वजह से, कहने का मतलब अविकारी के कारण से सब होता है, ये बात समझते नहीं जी। विकारी जो होता है अपने कोई अविकार अधिष्ठान में तो विकार करेगा, बिना अविकारी अधिष्ठान का कोई विकार होता हो दिखा दो। आप चलते हैं पृथ्वी स्थिर ना हो तो चलेंगे वैसे नहीं चल सकते आप। इसे देखिए आप सीढ़ी चढ़ते हैं और सीढ़ी चलते हैं तो आप नहीं चल पाएंगे, आप चलो गिर जाओगे, उसे बड़ी अभ्यास कर सीखना पड़ता है। बहुत शर्म है ना आजकल सीढ़ी चलता है, सीढ़ी घूमते रहता है, तो सर खड़े हो जाए और सर करके आपको नीचे ले जाएगा, अपने आप ऊपर ले जाएगा, अपने आप घूमने वाला होता है। अब अपने आप सीढ़ी चल रहा है तो आपको चलने की जरूरत नहीं है ना, दो में एक होगा, या सीढ़ी स्थिर होगी तो आप चलोगे, या आप स्थिर होगी तो सीढ़ी चलेगा, दो में एक काम करेगा। ये सीढ़ी भी चलते और आप भी चलेंगे तो बहुत खतरा है, वहाँ बहुत संभाल के चलना पड़ेगा। करते हैं लोग चलने वाले, अभ्यास हो जाता है लोगों को, वो सीढ़ी भी चल रहा है तभी और जल्दी जाना चाहते हैं। दिल्ली में कृष्णा गिरा है, चार 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 सीढ़ी भागते हो साथ साथ, गिर जाएंगे कई लोग। तो अनुशासन मनुष्य पर स्वयं अनुशासित होना सबसे उत्तम है, नहीं है तो पशु पर अनुशासित होना पड़ता है, और दोनों नहीं है तो महापशु हो जाता है, असुर है, पशु है तो असुर है। जैसे भारत है, भारत असुरों का देश है, मानव तो होते ही नहीं, सब असुर ही असुर है। इनको ना स्वयं अनुशासन पसंद है, पर अनुशासन पसंद है, दोनों को उल्लंघन करने में एक्सपर्ट है। हाँ, दोनों उल्लंघन करते हैं, आप कोई नियम लगाएंगे और नियम को कैसे उल्लंघन किया जाए यही सोचे खुरापाती दिमाग में। हाँ, हर कानून का छेद को पहले पता लगा लेंगे, यह कानून को तोड़ा कैसे जाए। हाँ, विकल्पों को पूछ लेंगे पहले से ही, इसीलिए असुरों का देश हो गया, न स्वानुशासित है यहाँ न परानुशासित है, या सबको ब्रह्मज्ञानी मान या तो असुर मान तो ब्रह्मज्ञानी मान, सबको सब ब्रह्मज्ञानी इसलिए अनुशासन से परे हो गए हैं। अविकार कूटस्थम, इसलिए अविकारी को मानना पड़ेगा, उसके बिना अविकारी नहीं हो सकते। इसे दृष्टांत दे रहे थे सीढ़ी का बारे में, या तो सीढ़ी चलेगा तो आप चलेंगे, एक को अविकारी होना पड़ा तब दूसरे से कार्य सिद्ध होता है, विकार होता है। इस तरह से यहां पर भी है, अविकारी कूटस्थ को माने बिना विकारी चिदावास अस्तित्व ही नहीं रह जाता है। चिदावास फिर पूर्वज कहता है आप कूटस कूटस जो बोल रहे हो आपकी कपोल कल्पना है, झूठी कल्पना है, कोई कूटस्थ नाम की चीज है ही नहीं। चिदाभास विद्रुत कूटस्थाभ्युपगमा स्व कपोल कल्पित इत्याशंक्य, तो सिद्धांति कहता नहीं नहीं आचार्य कूटस्थस्य उपाय तत्वात् मयोमित्या, आचार्य जी के द्वारा कूटस्थ को उत्पादन किया गया है इसलिए आप ऐसा आरोप नहीं लगा सकते कि हमारी कल्पना है। यदि लोक सामने व्यवहार सिद्ध कर दिया है कि अविकारी के बिना विकार हो नहीं सकता, अविकारी रूप अधिष्ठान में ही
उन कोई अनिचित विकार को अपना करते रहते हैं। ये तो सामान्य लोक व्यवहार में भी देखने को मिलता है। फिर भी कहते हैं कि आपने जब कपोल का अपना आरोप लगा दिया, सर्वानुभव को स्वीकार नहीं करते हो, कहते आचार्य के वचन को तो स्वीकार करोगे। आचार्य जी ने एक बृहत वाक्यवृत्ति नाम ग्रंथ लिखे हैं, उसी 11वां श्लोक को यहाँ जोड़ देंगे। केवल एक पाद लिया, अंतकरण वृत्ति साक्षी तक लिया, एक पाद और एक पद तक ले लिया, बाकी इत्यादा अनेकदा कुटस्थेव सर्वत्र पूर्वाचार निश्चित, इनकी अपनी शब्दावली थी। अंतकरण वृत्ति साक्षित्यादा अनेकधा कूटस्थ एव सर्वत्र पूर्वाचरीर विनिश्चित। अंतकरण तद वृत्ति, अंतकरण और अंतकरण वृत्तियों का साक्षी रूप से इत्यादि साक्षी इत्यादियों में अनेक प्रकार से कूटस्थ की ही सर्वत्र चर्चा की गई है। इनके द्वारा पूर्वाचार्य ही मैंने आचार्य शंकर ही तैर शिष्यर पिचा निश्चित निश्चय कर दिया गया। पूरा श्लोक नीचे दे रहे, देखिए। अंतकण वृद्धि साक्षी चैतन्य विग्रह आनंद रूप सत्य सन किम नात्मान प्रपद्यसे इत्यादि। अंतकण वृत्ति, अंतकण और अंतकण वृत्ति रूपा जो है इन दोनों का साक्षी सबसे उसी कूटस को कहा है आचार्य शंकर। और उस कुटस के बारे में क्या बोल रहे हैं आचार्य शंकर? चैतन्य विग्रह, वह चैतन्य रूप ही है, चैतन्यमय वह कुटस जो है वह चैतन्य ही है। आनंद रूप सत्य सन, वह आनंद रूप है, वह सत्य है, वह सत्य है। किम नात्मानं प्रपद्य से, ऐसी आत्मा क्या तुम्हें अनुभव में नहीं आ रहा है? ये वाक्यवृत्ति श्लोक 11 इत्यादि। और अब उपदेश शास्त्री का एक श्लोक देंगे 18वें प्रकरण का 43वां श्लोक, इसकी तीन पाद देंगे। पंचदशीकार ने क्या किया है? केवल एक पाद लिया, अंतकरण वृत्ति साक्षी तक लिया, एक पाद और एक पद तक ले लिया, बाकी इत्यादि अनेकदा कुटस्थेव सर्वत्र पूर्वाचार्य निश्चित, इनकी अपनी शब्दावली थी। और इसलिए देखो श्लोक में क्या था, अंतकरण वृत्ति साक्षी, यहां तक आचार्य शंकर का श्लोक को उन्होंने अनुकरण कर लिया, बाकी श्लोक अलग था वहां, है ना, दो पाद पूरे और एक पाद में से कुछ शब्द अलग था। चैतन्य विग्रह आनंद रूपा सप्तसन किमनात्मन प्रसे सब अलग ही थे, लेकिन यहां ऐसा नहीं करेंगे। उपदेश शास्त्र का तीन पाद को अनुकरण कर देंगे, अंतिम एक पाद को बदल देंगे। आत्माभाषाश्रयाश्चैव मुखाभाषाश्रय यथा गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्याम इत्याभासश्च वर्णितः। कि पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, कूटस्य दृष्टिपरिच्छेदाभास को मत मारो, आचार्य जी ने कहा है लोकवार प्रसिद्धि है, इसलिए अविकारी कूटस को मानना जरूरी है तो मान लेंगे, लेकिन फिर चिदाभास को कपोल कल्पना कहूं? कहते नहीं, चिदाभास ही मानना पड़ेगा, वो भी हमारी कपोल कल्पना नहीं, वो भी आचार्य सम्मत है, श्रुति सम्मत है। उसके लिए उपदेश शास्त्र का श्लोक दे रहे हैं चिदाभास के समर्थन में। यहां तीन पाद उपदेश शास्त्री 18:43 का है, वह अंतिम पाद की शब्द ऐसा है आभास सत्वमेव च, आभास सत्वमेव च, यह अंतिम पाद है। यह अंतिम पाद क्या कर दिया? इत्याभासश्च वर्णितः, ऐसा लिख दिया, बाकी तीन पाद वही है। आत्माभासाश्रयाश्चैवम, क्योंकि देखो लोक व्यवहार में हम तीन चीज का अनुभव कर रहे हैं। जिस दृष्टांत में क्या है, बिंब सूर्य, दर्पण और दर्पण में प्रतिबिंब, तीन है या नहीं? सूर्य है, दर्पण है और दर्पण में प्रतिबिंब है, उसी पर यहां भी तीन मानना पड़ेगा ना, कूटस्थ बुद्धि और बुद्धि में चिदाभास, इसके बिना व्यवहार होगा ही नहीं। आभास आत्मा आभास आश्रया, तीन चीज है, आत्मा मैंने कुटस्थ, आवास मैंने चिदाभास और चिदाभास का आश्रय बुद्धि। आत्मा आभास आश्रयाश्चैव, दृष्टांत क्या है, मुख आभास
आश्रय, मुख आपका बिंब चेहरा, उसका आवास दर्पण पड़ा प्रतिबिंब, उस प्रतिबिंब का आश्रय दर्पण, तीन है वहां भी। यथा गम्यन्ते, उसको मानना मानते हैं हम, कैसे शास्त्र युक्ति भ्याम, शास्त्र पर आधार पर और युक्ति से भी। इति आभास से वर्णित, इस प्रकार के आभास का वर्णन भी आचार्य शंकर ने प्रोपदेश शास्त्र में किए हैं। टीका, आत्मा च आभासश्च आश्रयश्च इति आत्मावासाश्रयाः इति द्वंद्व समासः, तीन का मिला करके द्वंद्व समास कर दिया गया। इसी प्रकार मुखावासाश्रय इत्यत्रापि तथा, यहाँ पर भी तीन मान लेना, मुखंच आभासश्च आश्रयश्च इति मुखावासाश्रयाः, इस पर द्वंद्व समास कर लेना। मुखम प्रसिद्धम, मुख तो सब जानते हैं ना, सबका मुख है ना, अपना अपना मुख तो देखते ही दर्पण में, इसलिए मुख की क्या व्याख्या करो, मुख तो प्रसिद्ध है। आभास मुख प्रतिबिंब, ये मुख ना होता, मुख इस ढंग का ना बना होता, ये मन में भ्रांति नहीं होती, मुख सुंदर है तो सब विरक्त हो जाते संसार, ये बड़ा मुश्किल काम कर दे। जैसा भी पैदा होगा ना, टेढ़ा मेढ़ा उंगड़ा उंगड़ा जैसा भी रहेगा तो भी अपने आप को सुंदर जरूर मानेगा, कमाल है ये सुंदर बुद्धि जो डाल रखा है ना भगवान ने, ये सबसे बड़ा अभिशाप है। शोभन बुद्धि, अपने चेहरे में, अपने शरीर में, अपने वस्तुओं में ये सुंदर है ये मान लिया और उसे मोह हो जाता है, और शुरू से असुंदर करके डालते तो अपने शरीर को मोह ही नहीं होता, मोह नहीं रहा तो जगत खत्म, उसकी मुक्त हो जाता है। अब ये समस्या है, बचपन से आप वैसे आदत डाल देते हैं, अलंकार कर देते हैं, है ना, पकड़ पकड़ के जबरदस्ती बच्चे को, बच्चा भागता इधर उधर तो पकड़ दे, तो बाल बना दे, उसको दे देखो अब सुंदर हो गया, तो मैंने पहले सुंदर नहीं, तो बाल बनाने के बाद सुंदर हो गया, अब दिमाग में डाल दिया ना, ऐसे रक्त सुंदर है, दिमाग में बैठ गया, वो बार बार वो भी दर्पण देखने लगा, छोटे पन से आदत पड़ गई, और अब ऐसी आदत है बिना दर्पण बिना उसको देखते ही नहीं, काम ही चलता है, ऐसी मोहजाल में फंस जाते हैं। बचपन से जो संस्कार दिया जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अब उस समय से हम लोगों को पूरा भेद द्वैत और मोह ममता में फंसा दिया जाए, ऐसी जाल में डाल देते हैं। तुम ब्राह्मण है, उनके से क्यों खेलने गया, दिमाग में डाल दिया ना भेद बुद्धि दिशाया, तो ब्राह्मण होकर उनके साथ खेलता, पढ़ाई करेंगे, अब बेचारा डर गया, मेरे को उसके साथ नहीं खेलना, वो मेरे से अलग जात का है, वो मेरे से नीच है, दिमाग में घुस गया, कहाँ द्वैत वेदांत पचेगा, जब घुस के बैठ गया है, वो हम सब भिन्न भिन्न है, सब जात पात भेद है, सारा भेद घुस गया है, ठोस करके डाल दिया गया, अब कहाँ समझ में आएगी वेदांत। शब्दार्थ तो ग्रहण कर रहे हैं, इन व्यवहार में जैसे थोड़ी सी बहिर्मुख हुआ नहीं, खट सारा भेद दिखाई देता है, और इतना सतता के साथ वो दिखाई देता है, भले बोलते रहो जगन मिथ्या जगन मिथ्या जगन मिथ्या, तो ले सत्य दिखता है, बहुत मुश्किल है ना वेदांत, वेदांत का जो प्रयोग आता है प्रैक्टिकल जीवन बहुत कठिन, थियोरी तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इतना सुंदर थियोरी, ऐसा कोई सिद्धांत कोई दुनिया में कल्पना भी नहीं कर सकता, सर्वोत्कृष्ट कल्पना सर्वोत्कृष्ट सिद्धांत दिए है वेदों ने, उपनिषद का अद्वैत वेदांत, जीवन में खड़े उतरने के लिए ऐसा कोई रास्ता बनाया ही नहीं लोगों ने, जन्म से ही गर्भ से ही सब बिगाड़ देते, जन्म के बाद भी गर्भ से ही बिगाड़ देते। इसे तीनों तो प्रसिद्ध, मुखम प्रसिद्धम, आवास मुख प्रतिबिंब, आश्रय दर्पण की त्रयम यथा प्रत्यक्षेण अवगम्यते, इन तीनों के जब प्रत्यक्ष प्रमाण से आप जानते हो, उसी प्रकार से आत्मा मैंने कूटस्थ आभास में चिदावास आश्रय अंतकरण आदि त्रयोपि शास्त्र अवगम्यन्ते इत्यर्थः। अत्र च आभास शब्देन कूटस्थ अतृक्त चिदावास वर्णित इति भाव, यहाँ पर आचार्य शंकर ने आभास शब्द से कूटस्थ से भिन्न चिदावास का वर्णन किया है, ये समझना। ब्रह्मांडिक मंत्र दे रहे, मनस साक्षी बुद्धे साक्षी, इस साक्षी शब्द से श्रुति कह रही है, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, कुटस का प्रमाण कौन है, मनस साक्षी बुद्धे साक्षी, बुद्धि साक्षी कुटस प्रतिपादक शास्त्र, और चिदावास का प्रमाण क्या है, रूपम रूपम प्रतिरूप बभुव, यदि चिदावास प्रतिपादक विकारित्व अविकारित्व आदि रूपायुक्ति पूर्व उक्ता, और उसकी विकारित और अवकारित की युक्तियों को हम पूर्व से ही कह चुके हैं।